दोस्तों, वैसे धरती और चांद के बीच की औसत दूरी 384,403 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इन दिनों हमारे वैज्ञानिक चांद को धरती पर ही ले आने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि यह पूरा चांद नहीं होकर उसका कुछ हिस्सा ही होगा। इसके लिए बेंगलोर से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अपने अगले साल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग करेगा। इस मिशन में लैंडर और रोवर जाएंगे। चांद के चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ लैंडर रोवर का संपर्क बनाया जाएगा। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सकें, इसके लिए बेंगलोर से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। उम्मीद है जल्द वो कंपनी मिल जाएगी जो ये काम पूरा करेगी। इन गड्ढों को बनाने में 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। ये गड्ढे 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही उसमें लगने वाले सेंसर्स की जांच कर सकें। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से लैंडर की कार्यक्षमता का पता चल सकेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 की तरह ही चंद्रयान 3 मिशन 2021 में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे। इसमें सैकड़ों सेंसर्स लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि में ये सेंसर्स मदद करेंगे। बेंगलोर से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में बनाए जा रहे इन नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। उनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए चंद्रयान 3 के सेंसर्स पर काफी बारीकी से काम किया जा रहा है। इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसरो लैंडर का परीक्षण इसरो सैटेलाइट नेविगेशन एंड टेस्ट एस्टेब्लिशमेंट में कर रहा है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह परीक्षण कितना उपयुक्त होगा और इसके क्या नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 2 के लिए भी ऐसे ही गड्ढे बनाए थे, उस पर परीक्षण भी किए गए थे, लेकिन चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल ही है कि आखिर किस तकनीकी खामी की वजह से वह हादसा हुआ था। चांद पर सफल लैंडिंग हो सके इसके लिए चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस और रोचक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो लिंक को अधिकाधिक शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।